तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो कि इसमें क्या कहते हैं। कहते हैं ए यूनिफॉर्म रॉड, एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका लेंथ 2 मीटर है। तो ये जो लेंथ, ये रॉड है, इसका जो लेंथ है बेसिकली वो 2 मीटर है। क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ए है और इसकी डेंसिटी डी है, ठीक है। रोटेट अब अपनी एक्सिस पर ओमेगा से रोटेट कर रहा है। इफ द वेलोसिटी वैल्यू ऑफ ओमेगा इन टर्म ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अल्फा इतना हो, तो हमें अल्फा की वैल्यू निकालना है। कुल मिला के ओमेगा निकालोगे तभी अल्फा निकलेगा, ठीक है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करोगे तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ये ई के बराबर है। ई से मैं इसको डिनोट कर देता हूँ, तो हाफ मोमेंट ऑफ इनर्सिया एम एल स्क्वायर अपॉन 12 और ओमेगा स्क्वायर दैट इज ई। अब यहाँ से तुम देखोगे तो 1/24 और मास इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी, और यहाँ से एल की पावर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर और ई। अब जैसे ही तुम 1/24 यहाँ से लिखोगे और वॉल्यूम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाई लेंथ लिखोगे तो ए डी और ए आ जाएगा एल की पावर की दैट इज ओमेगा स्क्वायर ई, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ तो थोड़ा फीलिंग अच्छा आने लगेगा कुछ और। तो 24 हरियाली आ गई यहाँ से, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और ये डी तो ऐसे ही रहने देते हैं, और लेंथ कितना था 2 था, तो 2 की पावर क्यू लिख देता हूँ और ओमेगा स्क्वायर और ई रख देता हूँ। तो यहाँ से तुम देखोगे तो 1/24 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डी और ये आ जाएगा 8 और ए आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ई, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स इसे कट जाएगा, तो अगर ये 3 टाइम्स कट जाएगा तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 3e/ad, ये सब कुछ 3/ad, ये सब कुछ अंडर रूट, ठीक है। तो थ्री ये वाला जो चीज़ है, अब इसको कंपेयर करो, तो इसको कंपेयर करोगे किससे, गिवेन इक्वेशन से। तो इसको कंपेयर करोगे गिवेन इक्वेशन से यहाँ से, तो यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, बेसिकली जो अल्फा आ जाएगा वो 3, तो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। तो यहाँ से जो अल्फा है उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी और यही इसका फाइनल सोल्यूशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।